हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मैक्स डिमट्रू। मैं दयानंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर आज फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है, ठीक है। और उसमें जो जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, और आज आपको बता दूं कि आज केवल सिविल का जो था, सिविल का ही एग्जाम हुआ था और अनदर ब्रांच का एग्जाम नहीं हुआ था, जैसे मैकेनिकल ये सब का एग्जाम नहीं हुआ था। आज केवल सिविल ब्रांच का एग्जाम था, ठीक है। और क्वेश्चन जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ब्रांच से भी क्वेश्चन कुछ खास को ज़्यादा उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, और देखिए क्या होता है कि ब्रांच के क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन जो भी जैसे जैसे टॉपिक बताए हुए हैं उन टॉपिक भी मैं आपको बताऊँ किस किस ब्रांच से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो 50 नंबर का जो आपका एग्जाम था नॉन टेक पार्ट, उसके भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन आया है कि 41 का बाइनरी लिखने आया था, ठीक है। 41 का बाइनरी कैसे लिखते हैं वो आया हुआ था। बीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी डेसिमल कोडेड ये आया था। ईमेल कौन सा ईयर में आया था ये पूछा गया था आपसे। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हुआ था ये पूछा था आपसे। एमएस डॉस कौन से ईयर में आया था ये भी पूछा गया था। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा था, कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। मतलब तो देखिए, क्या आपको कंप्यूटर में जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कम से कम एक काम करिए, कम से कम 20 से 30 फुल फॉर्म लिखिए कंप्यूटर का और उसको याद करके जरूर जाइए। वो 100% श्योर है कि आपके 3-4 आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ईरर 404 क्या होता है ये आपसे पूछा था, कि ईरर 404 जो होता है पेज नॉट अवेलेबल को शो करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा हुआ था ये। 200 के नोट्स पर कितने लाइन होते हैं ये भी आपसे पूछा हुआ था। आउटलुक यूज आया था, आउटलुक यूज क्या हुआ था ये उन्होंने लिख करके भेजा था। जीयूआई क्या है, ग्राफिक यूज इंटरफेस होता है। जीयूआई अंडमान निकोबार किस कहाँ है, तो आप सभी को पता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। रिपब्लिक डे कब लागू हुआ था, मतलब संविधान जो है आपका बना था तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से वो लागू हो गया था। एक प्राकृतिक उपग्रह जो है एक ही को है, प्राकृतिक उपग्रह क्या है, सिर्फ चंद्रमा है। मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, डेनमार्क में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, डेनमार्क में। पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा जो है पहला बजट जो है पेश किया गया था। आगे बात करें तो चेयरमैन ऑफ ओबीसी पूछा था, ठीक है। तो ये ओबीसी का चेयरमैन कौन है, भगवान लाल साहनी जी को बनाया गया ओबीसी का चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस मतलब बी तारे सिंह, ये 15वें बने हैं, ये भी याद रखिएगा। चपचार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो चपचार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में आपका चपचार फेस्टिवल मनाया जाता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम, ये आपसे पूछा गया था। भरतपुर किला कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, भरतपुर किला आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, क्यूक्लाइम का फुल फॉर्म आया था। क्यूक्लाइम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइम का फुल फॉर्म होता है। पोटासियम सल्फेट का ये फुल फॉर्म हुआ था, K2SO4 जो होता है पोटासियम सल्फेट का फुल फॉर्म आया था। चलिए बात करें कि आपका जो ब्रांच में आया था क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था उसको देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आया था कि सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा ये सब, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से बोला जाता है। ग्रिजेज फाउंडेशन का यूज हुआ था, ग्रिज फाउंडेशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। कैविटी वाल किसको बोलते हैं, मतलब वाल में जब कैविटी हो जाता है तो उसको कैविटी वाल बोला जाता है। और उसका थिकनेस पूछा हुआ था, कि उसका थिकनेस कितना होता है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आया था। पोरोसिटी क्या फॉर्मूला आता है, पोरोसिटी किसको बोलते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था। डीपीसी का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स जो है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, डीपीसी का फुल फॉर्म आया था। वाइकट अपरेटस, ठीक है, वाइकट अपरेटस का यूज, ठीक है, वाइकट अपरेटस का यूज आया हुआ था। कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू पूछा गया था आपसे। इल्ड स्ट्रेस क्या होता है ये पूछा गया था। बात करें तो एक और क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रिस्मेटिक वैल्यू का रीडिंग कहाँ से लेते हैं ये आपसे पूछा गया था। HB पेंसिल का यूज क्या करते हैं, देखिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, HB पेंसिल, इससे पेंसिल को एक बार जरूर देख के जाइए, वो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्रिक का साइज पूछा हुआ था, ब्रिक का साइज कितना होता है, तो ये आपसे मतलब सिंपल सिंपल सा। और बच्चे बोल रहे थे कि सॉइल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, इसलिए सॉइल को देख कर जाइए, कंप्यूटर में फुल फॉर्म को देख के जाइए, ये सब आपको बहुत बेनिफिट करेगा यदि आपका आगे में एग्जाम है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।